Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Mera. गुरुग्राम के मॉडल विवेक साहू की हत्या उसके ही जीजा ने पैसों के लालच में की थी। 3 दिन पहले विवेक का गोली लगा शव मेरठ मोदीपुरम के दुल्हेड़ा गांव में रजवाहे की पटरी के पास पड़ा हुआ मिला था। विवेक को पीछे से गोली मारी गई थी। विवेक के पास हाल ही में जमीन बेचकर 2 करोड़ रुपए आए थे। विवेक की दिसंबर में शादी होनी थी। विवेक कंकड़खेड़ा के डिफेंस एनक्लेव बी ब्लॉक में रहता था। गिरफ्तार जीजा तनुज मुजफ्फरनगर के भोकड़हेली का मूल निवासी है और वह 6ठी वाहिनी पीएसी में चालक पद पर तैनात है। विवेक ने तनुज को जमीन का एक टुकड़ा बेचकर 15 लाख रुपए उधार भी दिए थे। न देने को लेकर भी दोनों के बीच में विवाद बना हुआ था। आज मीडिया के समक्ष तनुज को पेश करते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इस घटना का खुलासा कर दिया और यह जानकारी दी। मॉडल की हत्या का खुलासा हुआ, कहा किस तरीके से हत्या हुई थी, किसने किया और क्या सब पुलिस को कार्रवाई मिली। देखिए 21 तारीख को सुबह थानापल्लवपुरम क्षेत्र के ये दुल्हेड़ा रजवाही के पास एक शव मिला था। इस शव की पहचान विवेक पुत्र योगेंद्र के रूप में हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ दौराला के निर्देशन में थानापल्लवपुरम पुलिस को लगाया गया था। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें जो मृतक है उसका जीजा तनुज वो ही उसने हत्या की थी और पूछताछ के दौरान इसने बताया कि कुछ साल पहले इनकी करीब 60 बीघा ज़मीन थी, उसमें से 40 बीघा ज़मीन बेची गई थी, जिसमें इसको जो मृतक है विवेक उसको 3.5 करोड़ रुपए मिले थे। तो वो पैसे किसी और को ना देके उसने खुद अपने ऊपर इस्तेमाल कर लिया था, पूरा पैसा इस्तेमाल कर लिया था। उस चीज़ की इसको जलन थी और इसे गुस्सा भी था कि इसको पैसा कुछ नहीं मिला। इसके साथ 18 बीघा ज़मीन और थी जो ये विवेक बेचना चाह रहा था, परंतु जीजा उसको बेचने नहीं दे रहा था। अब उसमें भी करीब 60 लाख रुपए आने थे, तो इस बात को लेके भी इनका आपस में मतभेद था। इसके साथ साथ 15 लाख रुपए करीब विवेक ने तनुज के खाते में डाले थे और लगातार वो वापस मांग रहा था। इस चीज़ को लेके भी इनका नोकझोंक चली आ रही थी। घटना वाले दिन जो 20 तारीख के करीब 7 बजे के आसपास, 7-7:15 के आसपास जो मृतक विवेक है वो अपने घर से निकला था और तनुज अपने घर से ये 6 पीएसी के पास जाके यहाँ पे हाईवे पे इसका वेट कर रहा था। करीब 8 बजे के आसपास ये लोग मिलते हैं। 8 बजे के आसपास ये लोग मिलते हैं वहाँ पे और ये लोग जाते हैं सुभारती के पास, एक शराब का ठेका, वहाँ पे ये लोग शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद तनुज के पास एक लाल वैगनार है, उसमें दोनों बैठ के सुभारती के पास यहाँ पे शराब का ठेका है, वहाँ पे पीने के बाद ये लोग वापस जो ये है अपना पल्लवपुरम साइड टोल है, अपना दौराला टोल, उस साइड की उस तरफ जाते हैं। उस तरफ के बाद एक शॉर्टकट आपका राइट साइड से आता है जो ये आपका पलेड़ा जो रजवा है उस पर जाता है। वहाँ पर जाके ये टॉयलेट के लिए रुकता है विवेक है और जब ये टॉयलेट कर रहा था तो पीछे से इसने आके तनुज ने फायर किया है इसके ऊपर और जिससे इसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। और इसमें अभी इसको हिरासत में अरेस्ट कर लिया गया है और इसको माननीय न्यायालय के सामने पेश कर उसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सर बताया जा रहा है जो जीजा है पीएसी में जवान है, कब से पोस्टेड है और क्या इनके पास ही जो अवैध असला है इसकी जांच की जा रही है, कहां से लाए? जी इनके पास एक तमंचा मिला है और जो मृतक का मोबाइल फोन है वो भी बरामद किया गया है और 6 पीएसी में अभी ये ड्राइवर के पद पर तैनात है और इससे पहले ये गाजियाबाद में भी पीएसी में तैनात था। सर जो गर्लफ्रेंड की बात निकल के आ रही थी, गर्लफ्रेंड पे जो आरोप लगा रहे थे उसमें कितनी सत्यता पाई गई? कोई नहीं, अभी तक हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। जो अभी तक पूरी जितने भी हमारे पास जो भी फैक्ट्स मिले हमें, सीसीटीवी फुटेज मिली है, CDR, सब पूरी तरह से पूछताछ हुई है, सब यही चीज़ मतलब इशारा कर रहे थे। पूरा कॉन्क्रीट हमें एविडेंस मिल गया है इसके पास, जैसे कि मोबाइल फ़ोन जो मृतक का है वो गायब था मौके से, वो इसके पास से बरामद हुआ है हमें और तमंचा इसके पास से इसने जो निशानदेही दी है खेत से हमें वो तमंचा भी बरामद हो गया है। वो पूरी तरह से इसकी तरफ इशारा कर रहा है। पीएसी में कहाँ पोस्टिंग है सर? ये DIG ऑफिस में ड्राइवर था, इसके द्वारा बताया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।